हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड्स व्हिच इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इफ़ वी सी द क्वेश्चंस इन लाइक इंट्रेंस एग्जाम वी गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ऑर्गेनेटलिक कंपाउंड और सिंपल सा हैडिंग है देर आर सम कॉन्सेप्ट लाइक बैक बॉन्डिंग्स एनर्जिक बॉन्डिंग जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा जो ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग एलेवंथ स्टैंडर्ड में भी देखा होगा हमने Organometallic compounds, these are the compounds in which a metal atom or a metalloid or maybe a non metal. So, basically, we can have metal atom, metalloid, or a non metal like boron, silicon, phosphorus, germanium, antimony, which are basically less electronegative than carbon. So, anything which is less electronegative than carbon, or we can say which is more electropositive than carbon. ज डायरेक्टली लिंक टू अ कार्बन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन रेडिकल और मॉलिक्यूल सो ऑर्गेनोम कार्बन एफन हाइड्रोकार्बन इज अटेज विद एनी एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन सो मेटल्स उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे कुछ मेटेलाइड उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे इवन सम नॉन मेटल ऑल्सो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन कार्बन सो किसी से भी जब वो अटैच होगा जिस केस में उस हाइड्रोकार्बन uh, का कार्बन होगा और वो अटैच होगा किसी भी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम से वी कॉल इट ऑर्गेनामेटलिक सम एग्जाम्पल दे मे कंटेन मेटल कार्बन बोन मेटलॉइड कार्बन बोन एंड नॉन मेटल कार्बन बोन्ड इट कैन बी एनी थिंग सी टू एच फाइव एम जी बी आर हीयर कार्बन अटेज विद मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बन बोन्ड इज प्रेजेंट इन सेकंड केस सी टू एच फाइव होल्ट वाई जेड एन हियर कार्बन इज अटैच विद जिंक जिंक कार्बन मोड़ इज प्रेजेंट ऑर्गेनमेटेलिक कंपाउंड सी सिक्स एच फाइव टी आई ओ सी टू एच फाइव होल्थ्राइज हियर टाइटेनियम कार्बन मोड़ इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सी एच थ्री होल फोर एस आई सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कार्बन सिलिकॉन कार्बन इट इज ऑल्सो ऑर्गेमेटेलिक कंपाउंड्स सो आर सम एग्जाम्पल्स in which first two examples like first example we have metal carbon bond in last example we have non metal carbon bond so we can have metal carbon non metal carbon or metalloid carbon bond now the classification of organometallic compound organometallic compound mainly classified into three category first category sigma bonded compound सिग्मा बोंडेड कंपाउंड कंटेन्स ओनली मेटल कार्बन सिग्मा बोंड इन दिस केस बेसिकली ओनली वन टाइप ऑफ बोंड इज प्रेजेंट देर इज मेटल कार्बन बोंड विच इज सिग्मा बोंड मेटल कार्बन जो बोंड होगा वो सिग्मा बोंड होगा सिग्मा डोनेशन से हेड ऑन ओवरलिपिंग के थ्रू बोंड फॉर्मेशन होगा नॉ द सेकंड पाई बोंडेड कंपाउंड इन केस ऑफ पाई बोंडेड कंपाउंड द ट्रांजिशन मेटल बाइंड टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन देयर डेरिवेटिव यूजिंग डी और बाइटल थ्रू पाई एक्सेप्टेंस और पाई बैक बॉन्डिंग इन दिस केस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट दैट मीन्स वी हैव सर्टेन पाई इलेक्ट्रॉन्स अनसेचुरेटेड कार्बन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक डोनेशन और पाई एक्सेप्टेंस के थ्रू बॉन्ड बनाएंगे क्लियर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्लियर होगा ये भी एग्जाम्पल वन फॉर पाई बॉन्डेड कंपाउंड Ferrocene. So this is the structure of ferrocene. In case of ferrocene, we have C5H5 minus. Basically, this is C5H5 circular compound with minus sign. This is also C5H5 minus circular ring with minus one charge. In both द रिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस, सो ये जो रेजोनेंस वाले इलेक्ट्रॉन हैली दे आर बेसिकलींसलेक्ट्रॉन्स क्लियर नॉ दिस पाई सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर आयरन आइटम थ्रू डेटिव बॉन्डिंग दिस सिक्स इलेक्ट्रॉन आर शेयर बाय दिस सेकंड रिंग टू द सेंट्रल आइटम सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स शेयर बाय बोथ द रिंग इज बेसिकली सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व यहां से सिक्स इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किए और यहां से सिक्स इलेक्ट्रॉन शेयर किए ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन दोनों पे माइनस माइनस वन चार्ज था इस पर भी माइनस वन नेट चार्ज इस पर माइनस वन नेट चार्ज तो इस पर प्लस टू नेट चार्ज आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन नाउ द फॉर्मूला फॉर फेरोसिन वी कैन राइट फॉर्मूला इन दिस मैनर एफी सेंट्रल एटम ईटा फाइव सी फाइव एच फाइव होल्ड वाइस

नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर शेयरिंग पाई इलेक्ट्रॉन दे आर फाइव सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड यहाँ पे फाइव कार्बन आइटम्स है यहाँ पे फाइव कार्बन आइटम्स है सो so हमने उसको ईटा फाइव कर दिया है क्लियर सो ईटा फाइव इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम इट इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेंबर इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर हो रहे हैं वो सिक्स है बट यहाँ पे जो फाइव है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम नाउ द आई पी एस सी नेम टू सेम रिंग्स आर प्रेजेंट बिज साइक्लोपेंटा डाइनाइल ये रिंग कुछ ऐसी है साइक्लोपेंटा डाइनाइल और यहां एक नेगेटिव चार्ज है so, सो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज टू सो द कंप्लीट आई यूपीएस ने बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन टू इफेक्टिव एटोमिक नंबर ऑफ एरोसिन एटोमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम विच इज ट्वेंटी सिक्स माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्लस टू तो हमने टू को माइनस किया प्लस सिक्स इंटू टू व ईच रिंग इज शेयरिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर टू है स्टिल हमने टू इंटू टू ना करके सिक्स इंटू टू किया है बिकॉज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड तो मैं याद है स्टार्टिंग में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने डिफाइन किया था वहां पे एक हेडिंग था इन केस ऑफ पाई बॉन्डिंग पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड सो ये पाई बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया गया है सिक्स इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पे सिक्स एज्यूम किए गए यहां से सिक्स एज्यूम किए गए टोटल सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो गए सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया थर्टी सिक्स सो सिक्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर फ्रॉम ईच रिंग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड सैंडविच कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं एक रिंग ऊपर है विच इज लाइक प्लेनर दिस रिंग इज ऑल्सो प्लेनर सो वी हैव वन प्लेनर रिंग हियर सेकंड प्लेनर रिंग और बीच में आयरन है सो सैंडविच काइंड ऑफ

रिंग्स प्लेनर रिंग्स इनके बीच में क्रोमियम सैंडविच बन रहा है सैंडविच कंपाउंड हो गया इसका आईओपीएससी नेम ही हो गया ईटा डेनोट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम, सो यहाँ पे सिक्स कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो सिक्स कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग इसलिए ईटा सिक्स किया है सो सी सिक्स एच सिक्स बेंजिन रिंग होल्ड टू अब आते हैं हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे हाँ इसको हम इतना भी लिख सकते हैं डाइब इंजन क्रोमियम वी कैन ऑल्सो राइट इन ब्रेकेट ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो सो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का एज देर इज नो चार्ज ऑन द रिंग सो देर विल बी नो चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ऑल्सो अब आते हैं हम इफेक्टिव एटोमिक नंबर पर एटोमिक नंबर ऑफ कार्बन विच इज ट्वेंटी फोर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज जीरो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम

नै यू कैन ऑब्जर्व इन सी टू एच फोर यूनिट देर इज नो चार्ज ऑन द देर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सी टू एच फोर रिंग सी टू एच फोर जो कंपाउंड है इथेन है इस पर कोई भी सब्सटेंस पर किसी भी आइटम पर उसमें लोन पेयर नहीं है बट इट हैज टेंडेंसी टू शेयर इट्स पाई इलेक्ट्रॉन ये जो डबल बोन वाला है ये पाई इलेक्ट्रॉन है इट कैन शेयर इट्स डबल बोन पाई इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल आइटम थ्रू डेटिव बॉन्डिंग सो यहाँ पर सी टू एच फोर अपना डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से शेयर कर रहा है थ्रू डेटिव बॉन्डिंग क्लियर सो अगेन दिस इज पाई बॉन्डेड कंपाउंड ईटा टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू टू कार्बन एटम्स जो यहाँ पे ईटा टू आया है टू कार्बन एटम ऑफ सी टू एच फोर फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड समथिंग लाइक कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी टू एच फोर इज लेसर देन एक्सपेक्टेड हमने एक्सपेक्ट किया था जो कार्बन कार्बन बोन होगा यहाँ पर सी टू एच फोर में वो होगा टू बट नाउ सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली दिस सी टू एच फोर इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम यहाँ पे वो शेयर कर रहा है तो बजाय फोर इलेक्ट्रॉन का दोनों कार्बन के बीच में होने के कुछ प्लेटिनम की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे तो जब प्लेटिनम की तरफ डाइवर्ट होंगे तो वहाँ पे उसका बोन ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा बोन ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली ये सीसी बोन लेज हो जाएगा सेकंड पॉइंट सीसी बोन देन एक्सपेक्टेड नाउ द थर्ड कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी वाज सिग्मा सि डेट सेकेंड वॉज पाई डेट नाउ द थर्ड वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल वी हैव वन कैटेगरी इन विच बोथ सिग्मा एंड पाई बोन्ड्स आर प्रेजेंट वहां पर सिग्मा बोन्ड्स भी होंगे पाई बोन्स भी होंगे इसके एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनाइल्स विच कंटेंट बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बोन और इसको हमें काफी डिटेल में देखना है तो इसको बजाय में यहां पर एग्जाम्पल लेने के वी हैव वन वी हैव नेक्स्ट हेडिंग मेटल कार्बोनाइल उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनाइट सम फीचर्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थियोरी इज मेनली बेस्ड ऑन अजम्प्शन लाइक लिगेंट्स आर पॉइंट चार्जेस एंड मेटल अट्रैक्ट देम ड्यू टू देयर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सो जो सेंट्रल एटम है वो पॉइंट चार्जेस हैं और उनको लिगेंट्स अट्रैक्ट करें बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैंस कॉर्डिनेट बोन्ड इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स ट इज आयोनिक बोन सच बेसिकली इन केस ऑफ सी एफ टी आयोनिक बोन इज कंसिडर्ड जो सेंट्रल आइटम में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया लिगेंट्सिवली पॉइंट चार्ज उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन है ना सच एजन आर इनोप्रिएट फॉर मेटल कार्बोनाइल इन विच मेटल है समरी ऑफ दिस होल थिंग इज इन सी एफ टी सेंट्रल आइटम पे जनरली जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा लिगेंट्स आर कंसिडर टू बी नेगेटिव चार्ज तो उनके बीच में इलेक्ट्रोसिटिक इंटरेक्शन है बट कार्बोनाइल्स सीओ दे हैव जीरो चार्ज चार्ज सो सो दे विल नॉट क्रिएट एनी ऑन द सेंट्रल एटम ये जो CFT में है लिया गया था दैट इज नॉट मच एप्रोप्रिएट फॉर द मेटल कार्बोनाइल्स वो इनके लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट ऑल मेटल कार्बोनाइल्स आर डाया मैग्नेटिक एक्से वी सी ओ सिक्स सो सिर्फ एक वी सी ओ सिक्स ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक अदरवाइज मैक्सिमम डाया मैग्नेटिक होते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑल स्टेबल मोनो न्यूक्लियर एंड पोली न्यूक्लियर फॉलोज इफेक्टिव एटोमिक नंबर रूल मतलब इनका जो इफेक्टिव एटोमिक नंबर आएगा वो नोवल गैस कॉन्फिग्रेशन जितना आएगा लाइक एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी ऐसा कुछ आएगा सो so, जितने ही मोनो न्यूक्लियर पोली न्यूक्लियर फॉलोज है वो वो फॉलो करते हैं इफेक्टिव एटोमिक नंबर रूल जैसे हम वी की भी बात करें इसका इफेक्टिव एटोमिक नंबर यदि तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो इसका इफेक्टिव एटोमिक नंबर है वी का ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ वेनेडियम प्लस जीरो और माइनस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स इंटू टू देर्टी फाइव सो 35 फाइव इट टेंडेंसी टू गेट थर्टी सिक्स इसलिए वी सी ओ सिक्स इज नॉट दैट मच स्टेबल वी सी ओ सिक्स हमेशा वी सी ओ सिक्स माइनस में कन्वर्ट होगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन और वो बजाय थर्टी फाइव थर्टी फाइव के थर्टी सिक्स इफेक्टिव एटोमिक नंबर हो जाएगा क्लियर हैव टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन

इट इज एक्सेप्टिंग टेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड तो टेन इलेक्ट्रॉन्स वो एट कर दिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड वन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर फ्रॉम मेटल मेटल सिंगल बोन तो वन थर्टी सिक्स हो जाएगा क्लियर जैसा हमने देखा था मेटल कार्बोनाइल्स दे हैव टेंडेंसी टू हैव थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर जो भी नोबल गेस का होगा वन मोर एग्जाम्पल दो कोबोल्ट सी ओ टू सीओ सिक्स एंड सिक्स कार्बोनाइल्स आर प्रेजेंट So again, in this structure, effective atomic number rule is we uh, is following. We can say Sidwick effective atomic number rule is there for cobalt. Both the central atom effective atomic number will be thirty six. Now, bonding per In case of metal carbonyl, how sigma and pi bondings are present? How both bondings are present? First, metal is uh, if we consider the first. बॉन्डिंग मेटल इज देयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर कार्बन कंटेंट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम से कुछ शेयर करेगा इस मैनर में और इसका जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो कुछ इस मैनर में होगा ट्रिपल बॉन्ड विथ वन डेटिव बॉन्डिंग ना आफ्टर दिस स्टेप दिस सेंट्रल एटम ऑल्सो हैज सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डी ऑर्बिटल सो so, ये जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई और बाइटल है कार्बन मोनोऑक्साइड में ये अपने इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेप में उसके साथ शेयर करेगा सो so, पहले तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके बाद बैक डोने, डोनेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन से शेयर कर रहा है सो so, यहाँ पे दोनों डेटिव बॉन्ड आ जाएंगे एक डेटिव बॉन्ड ये होगा और एक डेटिव बॉन्ड ये सेंटर वाला होगा सो so, दो बॉन्ड बन जाएंगे मेटल कार्बन में बेसिकली वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन दिस टू सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मतलब बोन ऑर्डर वन और टू के बीच में रहेगा ना वन होगा ना टू होगा बोन ऑर्डर विल बी इन बिटवीन वन एंड टू बिटवीन मेटल एंड कार्बन और जैसे ही यहाँ पे मेटल कार्बन के बीच में ये बैक डोनेशन होगा ये जो ट्रिपल बोन था कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिपल बोन्ड विल कन्वर्ट इन टू डबल बोन बिकॉज वन कार्बन कैन इन्वॉल्व ओनली इन फोर बोन्ड्स इट कैन नॉट इन्वॉल्व मोर देन फोर बोन्ड्स इसका एक्सपांडेड ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है इसको हम यदि इस डायग्राम के थ्रू समझें वी हैव सिंगल बोन इनिशियली ईयर एंड ट्रिपल बोन ईयर विच विल बी इन रेजोनेंस विथ डबल बोन एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बोन सो इन दोनों के बीच की सिचुएशन होगी यदि हम बात करें मेटल कार्बन बोन की सो मेटल कार्बन बोन के बीच का जो बोन ऑर्डर होगा दैट विल बी बिटवीन वन एंड टू कार्बन ऑक्सीजन बोन ऑर्डर विल बी बिटवीन थ्री एंड टू इनके बीच में आ जाएगा सो so, यहाँ पर हमने इसको डाला है सिग्मा सिग्माइन पाई बॉन्डिंग में मेटल कार्बन को हम चेक करते हैं कैसे यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग है व्हेन फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेंट्रल एटम दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकंड बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड में काउंट होगा और ये सिग्मा बॉन्ड में काउंट होगा सो इट विल हैव बोथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग कार्बन मोनऑक्साइड इज सिग्मा डोरा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर सो सिग्मा बोनिंग के थ्रू डोनेट कर रहा है और पाई बोनिंग के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है नाउ सी सम बिकॉज़ ऑफ मेटल कार्बन बोन ऑर्डर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड बोन ऑर्डर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड हमने एक्सपेक्ट किया था यहां पर बोन ऑर्डर इन दोनों के बीच में वनो

मेटल कार्बन बोन का बोन ऑर्डर ग्रेटर है एक्सपेक्टेड से तो इसका बोन लेंथ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड से लेस होगा इन केस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इफ बोन ऑर्डर इज लेसर देन एक्सपेक्टेड देन बोन लेंथ विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड सो बोन ऑर्डर का जो वैल्यू भी होगा वो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मेटल कार्बन बोन ऑर्डर विल बी इन बिटवीन वन एंड टू फॉर कार्बन ऑक्सीजन इट विल बी बिटवीन टू एंड थ्री Now one question based on this, try yourself this question, find order of metal carbon in carbon oxygen bond length in the following, then we will discuss the solution, hint is for vanadium it has minus one oxidation state, for nickel zero oxidation state, for m n it is plus one oxidation state, now see, इन दिस क्वेश्चन वेनेडियम हैज़ माइनस वन चार्ज निकल है ज़ीरो चार्ज मे हैज प्लस वन चार्ज सो इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइंग एस बैक डोनेशन इज देअर सो बैक डोनेशन में सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना है विद कार्बन थ्रू डेटिव बॉन्डिंग थ्रू पाइप डोनेशन तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर बैक डोनेशन मैक्सिमम होगा सो so, इस केस में बैक डोनेशन मैक्सिमम होगा और जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे बैक डोनेशन मिनिमम होगा सो मैक्सिमम बैक डोनेशन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट केस हेंस मेटल कार्बन बोन ऑर्डर इज मैक्सिमम इन फर्स्ट केस और यदि बोन ऑर्डर ज्यादा तो बोन लेंथ कम देखते हैं हम इसका सोल्यूशन Oxidation state of central atom is minus 1, 0 and plus 1 respectively. Note greater the positive oxidation state on the central atom, lesser the strength of back donation. Lesser will be bone order, greater will be bone length. Order of back donation or bone order for metal carbon bone. So back donation subsada vanadium because of negative charge, then nickel, then least for Mn because of positive charge. सो ऑर्डर ऑफ बोन लेंथ यदि ये हो गया ऑर्डर ऑफ बोन ऑर्डर ये हो गया तो बोन लेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो ये होगा और यदि मेटल कार्बन बोन लेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा कार्बन ऑक्सीजन सो इन एम एन सी सिक्स द बोन ऑर्डर बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज लीस्ट एंड द बोन ऑर्डर इज मैक्सिमम बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन सो कार्बन ऑक्सीजन का यदि बोन ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो लेंथ सबसे कम होगा कार्बन ऑक्सीजन का फॉर एम सिक्स जस्ट रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा ऑर्डर ऑफ लेंथ फॉर सीओ इज जस्ट रिवर्स मैं लास्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ग्रेटर विल बी बैक डोनेशन ग्रेटर विल बी बोन ऑर्डर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड कार्बन सो सेंट्रल एटम कार्बन के बीच का बोन ऑर्डर इंक्रीज हुआ है बोन लेंथ डिक्रीज हो जाएगा अब आते हैं हम कार्बन ऑक्सीजन यदि सेंट्रल एटम और कार्बन के बीच में ज्यादा बोन ऑर्डर हो गया है सो कार्बन ऑक्सीजन का बोन ऑर्डर अपने आप कम हो जाएगा और उसका बोन लेंथ बढ़ जाएगा सो मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम और लेसर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ग्रेटर द बैक डोनेशन मोर विल बी बोन ऑर्डर बिटवीन मेटल कार्बन लेस विल बी बोन ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ग्रेटर विल बी बोन लेथ फॉर कार्बन ऑक्सीजन लेसर विल बी बोन लेंथ फॉर सेंट्रल एटम इन कार्बन ये वहां पर मेटल कार्बन आइल कंप्लीट हो गया था सिग्माइन पाइप जितने भी कंपाउंड से नाउ द नेक्स्टिंग कायनेटिक कंसिडरेशन ऑफ लिगेन डिस्प्लेसमेंट सो काइनेटिक कंसिडरेशन ऑफ लिगेन डिस्प्लेसमेंट दैट मीन वी डेफिनेटली एनी कॉम्प्लेक्स compound दे आर हाईली स्टेबल दे do नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन easily तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इजिली सी टू प्लस देगा बट दे कैन गिव रिएक्शन ईजीली विद द अदर लिगेंड वी कैन हैव डिसमेंट रिएक्शन कोई भी एस एफ एल ईजीली डब्ल्यू एफ एल को डिसप्लेस कर सकता है सो स्ट्रॉन्ग फिर लिगेन कैन डिसप्लेस वीक फिर लिगेन फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी द फर्स्ट एग्जाम्पल द कलर ऑफ सी यू एच टू फोर टू प्लस इज पे ले लो वेन वी एड अमोनिया इन द सोलूशन इट बिकम सी यू एन एस टी फोर टू प्लस और एच टू बाहर आ जाएगा विच इज वेरी डीप ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनादर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यह कुछ बन जाएगा रिएक्शन कर वेरी रेपिडली और रिएक्शन फास्ट भी होती है क्लियर सो डिसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल बट द डिसोसिएशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन बोथ द केस वी आर नॉट गेटिंग सी यू टू प्लस आई इन द सोल्यूशन बट हांच टू को अमोनिया डिस्प्लेस कर सकता है कोई भी एस एफ एल डब्ल्यू एफ एल को डिसप्लेस कर सकता है वन मोर एग्जाम्पल सी यू एच टू फोर टू प्लस इफ यू रिएक्टेड विथ सी एल माइनस यू सी एल फोर टू माइनस बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन इन विच लिगेंड कैन बी इंटरचेंज रेपिडली आर सेट टू बी लेबाइल सो यदि जो भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड्स इजीली चेंज होते हैं ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उसमें चेंज होते हैं बट हाँ काफी कॉम्प्लेक्स में ये जो होता है उसे हम बोलते हैं ल, लेबायल कॉम्प्लेक्स मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कॉम्प्लेक्स आयन इन विच लिगेंड्स कैन बी इंटरचेंज रैपिडली आर सेट टू बी लेबायल नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्ट क्रोमियम थ्री प्लस एंड कॉबोल्ड थ्री प्लस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर काइनेटिकली लेबाइल सिर्फ क्रोमियम थ्री प्लस कोबॉल थ्री प्लस उतना फ्रिक्वेंटली अपने लिगेंड्स को चेंज नहीं करेंगे अदरवाइज सबके सब काइनेटिकली लेबाइल होंगे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर जनरली काइनेटिकली इनर्ट उसमें फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में फ्रिक्वेंटली चेंज होगा दैट इज थ्री डी सीरीज बट फोर डी फाइव डी सीरीज में उतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होंगे लिगेंड्स अगेन ही हेडिंग जस्ट हमारे सामने रिएक्शन हो इक्लिबियम कॉन्स्टेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है हमारे काम का है